हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो 2019 निमसेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जो आ चुका है उसके फॉर्म भरने में जो आपको डिफ़िकल्टी आ रही है उसी सब्जेक्ट पे सेशन है। जो जो आपने अपनी प्रॉब्लम भेजी थी और जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, सभी को फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा एवरी ईयर होता है और क्यों होता है वो मैं रीज़न बताता हूँ। तो उनमें क्या क्या आपने प्रॉब्लम फेस की, जो जो आपने डाउट भेजे हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसके बाद भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने इसके पहले जब डेट का नोटिफिकेशन आया था जब भी बोला था और अभी फिर, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करिए और पढ़िए, उसके बाद ही फिल करिए। अदरवाइज आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकती है, होता यही है, इसीलिए हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिर भी जो जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं वो सब बताऊँगा। इसके अलावा जो 2018 का पेपर है उसका एक ओवरव्यू दूंगा। दूसरा, आप में से कई लोगों ने जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके जो डाउट थे कि सर अभी इस समय हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया क्या करना चाहिए, या किसी का सिलेबस नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, नेक्स्ट 80 डेज प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। यानी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इस सेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर फॉर्म भरने में मिस्टेक होती है तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। कई लोगों का OBC क्राइटेरिया की प्रॉब्लम था, EWS में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, आप फाइनल ईयर अपेयरिंग है तो क्या करना है, पास आउट है तो क्या करना है, आपका सेकेंड ईयर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो क्या करना है, ये सारे जो आपने क्वेश्चन भेजे उन्हीं पर ये सेशन ले रहा हूँ और फिर हम एग्जाम की प्रिपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा कि निमसेट 2019 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है NIMCET.in। एक बात सबसे पहले याद रखिएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। आप सभी को पता है एग्जाम डेट है 26 मई। अब जैसे मुझे कुछ बच्चों ने बोला सर कि हमने गूगल में देखा है उसमें तो 27 मई दिखा रहे हैं, तो मैंने उन बच्चों को एक ही बात बोली कि गूगल पे नहीं आता है कुछ भी, कुछ एक साइट है जहां पर NIMCET की इन्फॉर्मेशन है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर अभी भी हमने देखा है कुछ साइट पे 12th मैथ्स मांग रहे हैं, तो मैं आप सबको एक बात पिछले सेशन में बोली थी अभी भी कि आप सब लोग पहले एक स्ट्रिक्ट रूल हमेशा फॉलो करो, जब भी जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। किसी अदर वेबसाइट पे जाने में कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं और वो भी इसलिए होते हैं, कई बार पुराना डेटा पड़ा होता है वही वो डाल देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं ये बात बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि आपको NIMCET की ऑफिशियल वेबसाइट, इसलिए आप अगर गूगल पे सर्च करें तो NIMCET ऑफिशियल वेबसाइट लिखें या NIMCET.in पे जाइए। जैसे ही आप वहां जाएंगे आपको लिखा मिलेगा NIMCET 2019 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पहले पूरा वो अच्छे से रीड आउट करिए, देन फिर फॉर्म फिलिंग करिए। अब आते हैं आपके जो डाउट्स थे। डाउट नंबर 1 कि हमको फॉर्म भरते समय मार्कशीट को अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है तो ओरिजिनल मार्कशीट को करना है कि क्या करना है। एक ये बहुत सारे बच्चों ने कि सर ओरिजिनल मार्कशीट पे साइन करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट की जेरोक्स करवाएंगे, 10th, 12th, 1st ईयर, 2nd ईयर और फाइनल ईयर अगर आप कर चुके हैं तो फाइनल ईयर की, नंबर 1 उनको आप जेरोक्स कराएंगे, उस पर साइन करेंगे। अब आती है बात कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म में ईयरली का ऑप्शन है, सेमिस्टर का नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा है कि सर हमारा सेमिस्टर सिस्टम था वहाँ पर सेमिस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो याद रखिए कि ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2 सेमेस्टर होंगे, सेम 1 सेम 2। अच्छा क्या होता है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं पर बहुत पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सबके डिफरेंट डिफरेंट केस हैं, अगर उससे मैं जो बता रहा हूं उसके अलावा भी कहीं प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 इन दोनों का आप सेपरेट नहीं, सिंगल ईयर में ही भरेंगे। अब कैसे मैं बताया, तो मान लो सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 2 में 6, तो ये टोटल सब्जेक्ट होगा 11। ये पूरे फर्स्ट ईयर के 11 सब्जेक्ट आप लाइन से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले फर्स्ट सेमेस्टर, देन सेकेंड के, फिर करेंगे चालू 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आएगा। इन दोनों मार्कशीट की फोटोकॉपी भी एक सिंगल पेज पे ही करवानी है और फिर साइन करके ही अपलोड करनी, इसे बोलेंगे फर्स्ट ईयर। अब एक और क्वेश्चन था उसमें कि सर कुछ जगह पे परसेंटाइल होता है, कैरेट सिस्टम होता है, पॉइंटर होता है, कुछ जगह पे मार्क्स होते हैं, उसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जब देखेंगे तो आपको मार्क्स डालना है या आपका पॉइंटर है वो दोनों दिए हुए हैं, वो भी आपको उसी अकॉर्डिंग फिल करना होगा। यानी कुछ छोटी छोटी बातें जिनको आपको ध्यान देना है। दूसरा, आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है, सेकेंड ईयर की करनी, अच्छा आप ईयरली वाले हैं तो आपको एक ही बार में भरना है, अगर आप सेमेस्टर वाले हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों सेमेस्टर को मिला के ही फिल करना है।
राइट। और मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप सबमिट करने के पहले हिट एंड ट्राई करें ना, उसमें सारे ऑप्शन है, मत करें सेफ। फिर ऐसे ही सेम सेकंड ईयर के लिए होगा और ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए अगर आप थर्ड ईयर में हैं। इस तरह से आपको ये फिल करना, एक बात। दूसरा, फर्स्ट ईयर वाला और सेकंड ईयर वाला स्टूडेंट ये एग्जाम नहीं दे सकता, केवल फाइनल ईयर अपेयरिंग और फाइनल ईयर पास आउट स्टूडेंट ही एग्जाम दे सकता है। आप डमी फॉर्म या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म बिल्कुल मत भरिएगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि आपका आधार कार्ड भी इसमें लगेगा, एक आईडी प्रूफ लगेगा, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, और लेके भी जाना होगा, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक चीज। अब आती है कैटेगरी की बात। कैटेगरी के लिए मैं बता दूं कि कैटेगरी में एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली येलो कलर से उन्होंने एक लाइन दी हुई है, वो ध्यान रखिएगा कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2018 के बाद का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोफॉर्मा। और वो उसके लिए भी उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दी कि आप चेक कर लें क्रीमी लेयर में आते नहीं आते, पर वो 2018 के बाद का। और एक और बनेगा जो इस साल 2019 अप्रैल के बाद बनेगा, आपको वही वाला ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब मान लो अभी जो नया रिजर्वेशन आया है जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस का, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बल्कि उसका इनकम प्रूफ लगेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। वो भी ऑप्शन दिया, क्या क्या पेपर अपलोड करने हैं उसके ऑप्शन दिए। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, जैसे अभी गैप सर्टिफिकेट या अपेयरिंग सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, ये टाइम ऑफ एडमिशन लगाना है। तो ये एक बेसिक बात है जो ध्यान रखना। अब एक दो बच्चों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड ईयर की सर अभी तक मार्कशीट नहीं आई, क्या करें। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है। आप 25 मार्च तक भी ना आए तो फिर आपको क्या एक्शन लेना है वो मैं बता सकता हूँ। एक्शन ये लेना है कि आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के साथ ही फॉर्म को सबमिट करना है, अबेटेट के साथ। इसके अलावा निमसेट, देखिए आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको जो बता सकता हूँ वो वही बताऊंगा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। पर निमसेट ने दो मेल एड्रेस दिए हैं, आपका कोई डाउट, क्योंकि पर्सन टू पर्सन कुछ बहुत ही डिफरेंट डाउट भी होते हैं, आपको यहाँ पर secretary.nimset2019@nitk.ac.in पे या secretary.nimset2019@nitk.edu.in पर मेल करके अपनी रिलेटेड प्रॉब्लम पूछनी। वो फोन पे आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है कि आपको वहां पर मेल करना अपनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, वो आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। तो ये कुछ बातें जो ध्यान रखनी है आपको। नंबर वन, 10th 12th और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर कर चुके हैं तो फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है। एक आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को रिलेट कर रहे हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पर ये सब जेरोक्स होंगी और जेरोक्स पे भी आपके साइन होंगे, ध्यान रखिएगा। आप फोटोकॉपी पे, कलर फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा। और ईडब्ल्यूएस है तो इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ और अपलोड करनी होगी वो ऑप्शन भी आपको दिखेगा। पर इन सब के साथ में फिर भी आपको फिर बोलूंगा कि पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़िए, फिर nimset.in पे जाइए और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से इसको फॉर्म को फिल करिए। अब ये फॉर्म फिल करने के बाद, पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, एक ड्राफ्ट कर लिया आपने उसको सेव कर लें, एक होता सबमिट। सबमिट करने में आप जल्दीबाजी ना दिखाएं, कोई भी मन में डाउट हो तो आप अपने डाउट इस दो पे मेल पे, वो मेल भी आपको बुलेटिन में दिया हुआ है, इन पर मेल कर आप वो रिलेटेड डाउट पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद फॉर्म सबमिट करें, सफिशियंट टाइम। फिर जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद मई में 13 के बाद आपको फिर अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है, रिलेटेड सिटी दी हुई है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, आप में से कई बच्चों ने बताया कि आपकी उस समय फाइनल ईयर के एग्जाम है, इसलिए पहले आप प्लान कर रहे थे भोपाल आने का, नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आप सभी को एक बात बोलूंगा, अगर आपके एग्जाम है तो आपको परेशान नहीं होना है, आप घर पर रहकर पढ़ाई करिए, वैसे भी आपको रेगुलर टेस्ट मिल रहा है। अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारी अभी तक पढ़ाई नहीं हुई, अब क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो इमीडिएटली कंप्लीट कोर्स लें और पढ़ाई चालू करें। कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अपने आप को टेस्ट करना है तो टेस्ट सीरीज से जुड़ जाए, यानी आपके पास चॉइस है, क्योंकि आज इम्पिटस गुरुकुल से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू आप अपने आप को रियल परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि आप सब एक बात तो बोल रहे हैं फॉर्म भरना है, पर मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर दूं कि फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन पढ़ाई करने होता है, फॉर्म भरना एक पार्ट है। तो फॉर्म भरने के साथ साथ बहुत ही पॉजिटिव माइंड से आपको प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना है। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बहुत सारे बच्चे जुड़ गए,
बल्कि फाइनल ईयर से ज्यादा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे जुड़ गए, यानी अवेयरनेस का चेंज दिख रहा है मुझे, तो मैं ऐसे में बोलूंगा। और वो सही समय पे स्टार्ट किया उन्होंने तो डेफिनेटली उनको फायदा मिलेगा। पर आप में से कोई अभी भी फॉर्म भर के चाहे और अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट की है तो मैं बोलूंगा आप टेस्ट सीरीज से जुड़ें, क्योंकि अभी इस समय करीब करीब 10 से 15 टेस्ट पेपर एवरी वीक मिल रहे हैं। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, स्पीड टेस्ट, हर तरह के टेस्ट हैं। उन टेस्ट से आप अपने आप को बहुत कम समय में डेवलप कर पाओगे। बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो ये टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि टेस्ट पेपर में परफॉर्म करने के लिए पहले आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट कोर्स लें और उससे पढ़ाई करें, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में बेसिक से एडवांस लेवल दिया। इनफैक्ट आज ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था, बीसीए किया, उसके बाद भी उनका मैथ्स का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है। बल्कि कई बच्चे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया था लास्ट ईयर वो इस समय यहाँ टेस्ट सीरीज के लिए जब आए तो दिखता है कि उन्होंने सारी चीजें कवर कर ली। उनके कुछ वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किए, आपने देखे भी होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको बहुत पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करनी है। दूसरा, जो नए बच्चे हैं और जिनको 2019 में एग्जाम देना है उनके पास अब टाइम कम है, ऐसे में आप बड़ी बुक सॉल्व नहीं कर सकते, गाइड सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे में मैं बोलूंगा रेफरेंस बुक के लिए आप एनसीईआरटी की बुक और जो हम आपको टेस्ट दे रहे हैं वो भी आप कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा। दूसरा, अगर मन में ये लगता है कि ये एग्जाम तो ऐसे ही देंगे, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके अच्छे से करेंगे, तो भी मैं बोलूंगा अगर आपका मन ड्रॉप का है तो भी बचे हुए टाइम में अपना 100% देने की कोशिश करें, तो उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यानी आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, खत्म नहीं हुई है। तो एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ें। और जो बच्चे ऑलरेडी, पुराने बच्चों ने भी मुझसे एक बात बोले, सर आप बहुत ज़्यादा पेपर भेज रहे हैं तो इसमें हम क्या करें, तो मैं आप सबको एक बात बोलूँगा, इन सब पेपर्स का एक ही पर्पज है, आपका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। पर आप उतने ही पेपर सॉल्व करें जितनों को आप एनालाइज कर पाते हैं, क्योंकि पेपर केवल देने का पर्पज है। कई बच्चे क्योंकि पूरा सिलेबस 2 टाइम 3 टाइम कर चुके हैं तो वो केवल पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए तो वो केवल उन्हीं पेपर्स को देते हैं जो सिलेबस से रिलेटेड पेपर्स कवर कर चुके हैं। तो मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप ऑनलाइन में दूर दूर जगह पर बैठे हैं, अलग अलग जगह पर, तो ऐसे में आपको केवल आप वही पेपर सॉल्व करिए जिसको आप एनालाइज कर पाए, क्योंकि अगर आप पेपर का डिटेल एनालिसिस करते हैं तो ही उस पेपर का फायदा है, केवल पेपर दे देने से कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा इन पेपर्स के सॉल्यूशन रेगुलर आपको मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जिनके पेपर्स के, जैसे अब स्पीड टेस्ट है वो बहुत बेसिक है जिसमें फाउंडेशन ही आपका कवर हो रहा है फॉर्मूला रिवाइज, इसलिए उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पर जैसे मॉक टेस्ट हैं, एक्चुअल टेस्ट पेपर्स हैं, उन सबके सॉल्यूशंस में आपको रेगुलर देता रहूंगा। दूसरा, हर दिन आपको एटलीस्ट 2 to 3 hours, मिनिमम 3 hour मैथ्स और मिनिमम 1 hour रीजनिंग, और ये हो गया 3 to 4 hours ये प्रिपरेशन करना चाहिए, 2 hours जो टॉपिक कवर हो गए वो, 6 hours और करीब 3 to 4 hours आपको टेस्टिंग में टाइम देना चाहिए। जब आप ये सब करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी भी 80+ days हैं, काफ़ी अच्छा टाइम है, एक बार पूरा रिवीजन करिए, हर सैटरडे को जितना पढ़ा हुआ उनके टेस्टिंग दीजिए। दूसरा, एक और बच्चों ने मुझे, आप में से कई लोगों ने मैसेज किया था, सर पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, वो भूलते इसलिए हो क्योंकि आप रिविजन नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में मैं आपको बोलूंगा हर वीक में जो कुछ आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसका रिवीजन करें, फिर संडे को जो टेस्ट आपको मिलते हैं वो दें, उसके पहले नहीं, ये हर संडे का प्रोसेस रखें। दूसरा, पेपर कभी भी 1 to 50 के ऑर्डर में या 1 to 120 के ऑर्डर में ना दें, पेपर हमेशा सिंपल टू टफ दें। जैसे जब मैथ सेक्शन कर रहे हैं, आपको पता है मैथ सेक्शन 600 marks का है, तो पहले मैथ सेक्शन के सिंपल क्वेश्चन ढूंढें, जो मैं आपको जैसे मॉक देता हूं तो पहले सिंपल निकालें, 50 में से कौन से ऐसे हैं जो सिंपल है, फिर उसमें यह भी चेक करना है कि कितने स्टैंडर्ड आए। स्टैंडर्ड से मतलब है आप देखेंगे कि जैसे मान लो मैं कोऑर्डिनेट में बात करूं तो पैराबोला की टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, इलिप्स की टेंजेंट की क्या होती है, सर्कल की टेंजेंट की क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएशन में आते हैं, फंक्शन में आते हैं, उन स्टैंडर्ड क्वेश्चन की एक सेपरेट लिस्ट बनाएं। वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन एनी हाउ आपके स्क्रीनिंग राउंड में बनना चाहिए, फिर 1 step question, फिर 2 step question, कम से कम मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि 30, 40, 40+ रीच करें, देन 1 hour मैथ्स को टाइम देना, देन 40 minutes रीजनिंग पे देना है आपको। रीजनिंग में आप पजल टेस्ट के पहले सिंगल क्वेश्चंस आए वो देखें, छुपे रहते हैं उनको, छुपे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो आपको देखने हैं। आप एक पजल्स के बाद देखोगे 2 simple questions है, वो लिंक नहीं है पर कई बार हमारे मिस हो जाते हैं, उनको देखना है। 20 के आसपास पजल्स आएंगे तो 20 single questions भी होंगे, उन पर वर्क करना है। दूसरा, रीजनिंग पढ़ते समय देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, रीजनिंग में क्लॉक, कैलेंडर, SCM LCM, इसका मैंने डिटेल दिया है। क्वांट आपको ज़्यादा नहीं आती है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये पोर्शन बहुत कम आता है इसलिए उसका पोर्शन बहुत कम दिया है। रीजनिंग में पजल टेस्ट आते हैं जो अब आपको धीरे धीरे मैं देता जा रहा हूँ,
उनको सॉल्व करिए। और याद रखिए, जब मैथ्स स्ट्रांग होगा तो रीजनिंग अपने आप बनेगी, क्योंकि उसके लिए अलग से आप कुछ नहीं कर सकते। मैथ्स को स्ट्रांग करके ही आप रीजनिंग पे वर्क करेंगे तो होगा। तो 40 मिनट रीजनिंग को देना है, 1 आवर 40 मिनट ये होगा, 10 मिनट कंप्यूटर को, 10 से 15 मिनट कंप्यूटर और इंग्लिश को, 5 मिनट पहले स्टार्टिंग में आपको पेपर को पूरा असेस करना है किस ऑर्डर में करना है। और इस ढंग से ही आप जो आपको मॉक पेपर मिल रहा है वो देते चलो। जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं आप सबको यही बोलूंगा कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो। जरूरत ये है कि आप बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे पेपर्स को सॉल्व करते चलें, जो जो बनता है। जरूरी नहीं कि सब कर ले, पर जो करें वो अच्छे से करें और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से करें। फिर एक बार और बोलूंगा कि फॉर्म बहुत ही केयरफुली होकर भरिएगा। अगर 2 सेमेस्टर हैं तो एक साथ उसकी 1 ईयर की मार्कशीट बन जाएगी, 2 मार्कशीट को एक साथ प्रिंट आउट कराएं, उस पर साइन करें, उसके बाद उसको अपलोड करें। रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो जो अपलोड होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो याद रखिएगा, आपको वही अपलोड होंगे जो दिए हुए, उसके अलावा कुछ भी अपलोड नहीं करना आपको। और सब कुछ सेव करने के बाद ही सबमिट करें। कोई प्रॉब्लम आए तो इनको मेल करके, आप NIT सूरतकल में मेल करके ही पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके जो डाउट हैं वो जनरल सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ पर्टिकुलर डाउट्स ऐसे होते हैं जो पर्सन टू पर्सन। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा था मुझसे, कि हमारा मेजर सब्जेक्ट में 60% है पर एग्रीगेट नहीं है। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि BCA फाइनल ईयर का एग्रीगेट 60% देखते हैं, या BSc का, या वोकेशनल कोर्स भी इस बार जुड़ गए हैं जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड, जैसे आप BSc कंप्यूटर वाले हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो आपका ओवरऑल 60% देखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप सेकेंड ईयर में, तो 60% कैसे देखेंगे? एक बात समझ लो कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के परसेंटेज डालना है, फिर फाइनल ईयर के नहीं। फाइनल ईयर की मार्कशीट होने के बाद, ड्यूरिंग, जब आप एग्जाम एडमिशन ले रहे होंगे उस समय तक नॉर्मली रिजल्ट आ जाता है। नहीं आता तो भी वो आपको एक एडमिशन दे देंगे, और जब रिजल्ट आएगा तो उसका एग्रीगेट 60 मिलना चाहिए। अगर वो 60 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। 59.99 भी नहीं चलेगा, ठीक 60 मतलब 60 ही होना चाहिए। पॉइंटर है तो 6.5 पॉइंटर होना चाहिए। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। आपका 11th 12th मैथ्स नहीं मांगते, पर ग्रेजुएशन में जैसे BCA के एक सब्जेक्ट आपका कभी ना कभी मैथ्स रहता ही है, BSc मैथ्स वालों का मैथ्स रहता है, BSc कंप्यूटर वालों का कंप्यूटर हो गया। यानी आप एलिजिबिलिटी को अच्छे से देख के फॉर्म फिल करें, और कहीं कोई रिलेटेड डाउट आए तो इधर पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। और जो भी आप लोग टेस्ट सीरीज या कोई नए कोर्स से जुड़ना चाहें तो impetusgurukul.com पे विजिट करें, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता था वो मैंने दे दिया। आप फॉर्म फिल करना चालू करें, उसको पूरा ड्राफ्ट करें और सेव करके रख लें, और फिर सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक करें एंड देन सबमिट करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।